वंदे मातरम प्रकाश जी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से आए हुए एक रिटायर्ड ऑफिसर, मेरे साथ आए हुए हिमाचल के प्रेसिडेंट हरीश जी, मेरे भाइयों बहनों और मेरे माताओं, हिमाचल एक ऐसी धरती है, पठानकोट से जब चलो, होशियारपुर से चलो तो एक अलग संस्कृति, इस देश का वो पुराना कल्चर, पुरानी संस्कृति, पुराना इतिहास जो हिमाचल के लोगों ने एक शराफत की जिंदगी उसको आपने संभाल के रखा है, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे दिमाग चलते जाएंगे, इधर दिमाग नहीं चलता, इधर राष्ट्र चलता है और संस्कृति चलती है और जो अंदर है वही बाहर है और उसका लोग कई गलत फायदा भी ले लेते हैं, कि राजनीतिक लोग उसका गलत फायदा भी ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो मैंने हिमाचल के अंदर समस्या देखी शहीद परिवारों की, कोई परिवार कहाँ पहाड़ी में रहता है, कोई कहाँ रहता है। मैं अभी एक ऊपर पहाड़ी पे होके आया, मैं अभी चल नहीं सकता हूँ, इतने बम गोलियां चले हैं शरीर पे, मैं इतना नहीं सफर कर सकता हूँ, पर मैं गया ऊपर। तो ऐसे कितने परिवार होंगे जिन्होंने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की आजादी की रक्षा करते हुए कुर्बानी शहादत दी होगी, उनको पूछेगा कौन, कौन अधिकारी जाएगा, कौन नेता जाएगा कि आपको तकलीफ क्या है, कोई पूछने वाला नहीं। बस अपनी बहन को पूछा, एक छोटा बच्चा था, माता थे पिता थे, उनके पति सुकना में शहीद हुए थे, हाँ शहीद हुए थे, आपको सरकार ने कितने पैसे दिए, मुझे 1.5 लाख रुपया दिया था, वादा तो 5 लाख का किया था। तो आप नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी दी थी पर मैं बच्चे को देखूंगी, अब बच्चों को देखूंगी नौकरी, बच्चे को जब बड़ा होगा कौन नौकरी देगा, वो तो सरकार ही देगी, सरकार की जिम्मेदारी है। एफिडेविट लिख के दे दो कि जब भी जब बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाएगी तो इसकी नौकरी तैयार होगी, पर कोई एफिडेविट नहीं। वो वक्त क्या होगा, कब वक्त बदलेगा, कहां बेचारे धक्के खाएंगे, जिंदगी पति बेटा मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करता हुआ, मातृभूमि की आजादी की रक्षा करता हुआ शहीद हो गया, पर परिवार की देखने की जिम्मेदारी किसकी, क्या उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ वोट लेना, सत्ता लेना, कुर्सी लेना। मैं तो यही समझता हूं आज हमारी जिम्मेदारियां राजनीतिक लोगों की यहां तक चलेगी, वोट सत्ता कुर्सी, कौन शहीद होता है हमें क्या लेना है। ये बड़ा नजदीक से मैं देखता हूं कई वर्षों से, कई सालों से, और फिर ये भी सोचते हैं कि राष्ट्र बचा कैसे है। तो राष्ट्र इसलिए बचा है कि हमारे एक जवान अगर हिमाचल की धरती से शहीद होता है तो दूसरा जवान उसका बच्चा तैयार रहता है मर, हाँ जब शहादत होती है जवान की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे में लिपटी हुई खून से जब बॉडी आती है तो हम जरूर जाते हैं। ये कैमरे वाले, फोटोग्राफर, मीडिया, ये हमारी फोटो खींचता है और हमें शाम को दिखाते हैं फलाना आया था, फलाना आया था। तो 2 महीने के बाद आप ही जाके पूछ लो कि आपके पास उसके बाद पूछने आया था कि आपकी तकलीफ क्या है, किसकी जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदारी सरकार के ऊपर, कानून ऐसे बनने चाहिए, डिप्टी कमिश्नर है जिस जिले का, जितने भी शहीद उनके घर में सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भेजे, इनकी तकलीफों को पता करके उनकी तकलीफ क्या है, इनको एक पहाड़ी से ऊपर शिमला के दफ्तरों में धक्के ना खाने पड़े। ये जिम्मेदारी सरकारों के साथ साथ हम राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे वर्कर्स हैं। अब वोट लिया सबने, सब पॉलिटिकल पार्टी ने वोट लिया ना, आपके पास आए ना, हाथ जोड़े ना, यही कहा ना हमें वोट दो, पर वही कार्यकर्ता
अपने अपने एरिया में शहीदों के परिवारों की दुख तकलीफ को संभाल लें। छोटी छोटी समस्या है, नौकरी नहीं मिली है, बच्चों को पढ़ाना है, वो हमें अप्रोच कर ले, हम एजुकेशन करा देंगे। वो जिम्मेदारी किसकी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। वोट लेना है, पर जो मातृभूमि की सीमाओं के लिए शहीद होता है जवान, उसके परिवार को एक महीने के बाद कौन देखेगा? ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हम इनसे दूर चले जाते हैं। कितनी देर तक ये जिंदगी का सिलसिला चलता रहेगा? राजनीति में कब बदलाव आएगा हिंदुस्तान के अंदर? कब हम शहीदों की सोच पे हम पहरा देंगे? जवान का परिवार भी दुखी होता है। अब 1.5 लाख का वादा करके सरकार ने 1.5 लाख दे दिया, और वो बोली वाली औरत, गांव की औरत, शहीद की पत्नी, वो इसी में चुप बैठी है। पूछा, तेरे बच्चे को नौकरी? कुछ को कोई बात नहीं। मैंने कह दिया, मैंने, अरे नहीं बात है, तो एफिडेविट सरकार को देना चाहिए, जब तेरा बच्चा बड़ा होगा इसकी नौकरी तैयार होगी। अभी पंजाब के अंदर एक जवान शहीद हुआ, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चीफ मिनिस्टर गए, छोटे छोटे इतने बच्चे होंगे, अभी इससे थोड़ा बड़ा होगा। एक को नायब तहसीलदार, लड़की को की नौकरी कैबिनेट में पास करके लिख के दे दिया, बड़ा होगा, हमें फिक्र नहीं, अपने आप नौकरियां मिल जाएगी। एफिडेविट दे दिया, तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और हिमाचल के सोलन के एक डिप्टी कमिश्नर और उसकी वाइफ हस्बैंड ने तीसरे बच्चे को, बेटी को अडॉप्ट कर लिया। एक अधिकारी ने, दो आईएएस अफसर हिमाचल वालों ने, सोलन के ने उसको अडॉप्ट कर लिया। पर ये पकड़ो, पर हमारे हिमाचल के अंदर 1.5 लाख ले लो, आप इन शहीदों का अपमान करते हो। आप कारगिल के युद्ध के अंदर जब हर घर से उन जवानों की बॉडी आती थी, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए, क्या देते थे? 70,000। खून पसीने से लथपथ तिरंगे झंडे में बॉडी की कीमत लगाते थे 70,000। अरे लाश की कीमत लगाते हो आप, फिर हैसान करते हो हमने ये दे दिया। आप हो कौन देने वाले? कौन हो देने वाले आप? ये जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, जिम्मेदारी बनती है हर पॉलिटिकल पार्टी की। उस वक्त हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ में गया था मैं, एक पिता को पूछा, आपका बेटा शहीद हुआ है, ये दो बच्चे हैं, इनका क्या करोगे? कहना, जब बड़े हो गए फौज में कराऊंगा। मैं कहा, बच्चों को अडॉप्ट करता हूं, बच्चों को हमने शिक्षा कराई, कर्तव्य पूरा किया, सरकार ने कोई मदद की? कहते 5,000 लकड़ों का संस्कार के लिए दे गया था। उस दिन वे हम जागे, पूरे हिंदुस्तान के घूमे, सरकार देती थी 70,000, हमने दिया एहसान नहीं, सरकार की आंखें खोलने के लिए, नेताओं की आंखें खोलने के लिए 2-2 लाख दिया और पेट्रोल पंप दिलाए। अब उस वक्त का हमारा संघर्ष, अब कोई 1 करोड़ दिल्ली देती है, 1 करोड़ स्टेट देती है, 50 लाख कोई देता है, 1 करोड़ कोई देता है, उस मंजिल पे हम पहुंचे हैं इतने संघर्ष के बाद। बम्बों से शरीर छाननी है, कहां इतना पूरे देश में जाना पड़ता है, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? अभी एक जहां हमारे ऑफिसर इधर आई, आइए देखो, इनको बड़ी नॉलेज है, बड़ा ज्ञान है। ऐसे लोग कहां, जितनी उनमें हिम्मत है वो करेंगे, वो इतना ही कर ले, मैं इनका एहसान मंद हूंगा, कोई नहीं करता आजकल। सच्चा है, खुली छूट दे दी अपने अधिकारियों को, हमारे जवान शहीद होते इसमें कोई शक नहीं, पर पाकिस्तान को ये बता दिया है, तेरी ऐसी की तैसी, अब एक गोली चलेगी तुम्हें चोट ठोक के मारेंगे, और मारा जा रहा है, 200 आतंकवादियों को मार दिया है, और पाकिस्तान को नहीं पूरा करेंगे। राजनीतिक लोगों की क्या जिम्मेदारी है? मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, पर जो राजनीतिक लोग शहीद परिवारों का मान सम्मान नहीं करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उसके खिलाफ हमारी आवाज जरूर उठती है। अब नरेंद्र मोदी ने अगर आतंकवाद के ऊपर आवाज उठाई है, तो हम छोटी बातों में क्यों पड़े, अपने स्वार्थों में क्यों पड़े? हमें यह देखना है कि सदियों सदियों तक भारत मां जिंदा रहे, और हमारी ये जो बच्चे जनरेशन है, इनके लिए कच्चा भारत बने। हम तो बिगड़े हुए माहौल के लोग हैं, हमारी आपने कुछ, हमने बिगाड़ ली, कुछ प्रशासनों ने बिगाड़ दी, कुछ राजनेताओं ने बिगाड़ दी, हम सब बिगड़े हुए हैं। कर देंगे, हो जाएगा, हो गया, जगाड़ है, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो ना। अब वो व्यक्ति चाहता है, ये जो बच्चे हैं,
इनके लिए एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जब भी ये बच्चे बड़े होंगे इनको दर दर ठोकरें ना खानी पड़े, एक ऐसा डिसिप्लिन लाना चाहता हूं। हमारे में तो डिसिप्लिन ही नहीं है। अब मैं हिमाचल में तो डिसिप्लिन है, महाराष्ट्र में तो डिसिप्लिन है, गुजरात में तो डिसिप्लिन है, उत्तरांचल में तो डिसिप्लिन है, और उसके बाद चले जो हर चीज जगाड़ है, दिमाग से लोग चल रहे, दिल से नहीं चल रहे। कैसे भारत बचा है मेरी समझ से बाहर है, यह मातृभूमि कैसे बची है मेरी समझ से बाहर है। या तो मां की कृपा है, भगवान की कृपा है, भोले शंकर की कृपा है, जगराते करते हैं, भगवान को पूजते हैं, हवन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। जो मेरी माए बहने चौबीस घंटे राजनीतिक लोगों के ऊपर, हर चीज मीडिया के ऊपर छोड़नी नहीं, जितने भी बैठे हैं अपनी शक्ति अपनी ताकत उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करो, बेफजूल नहीं, असूलों पे आपको लोग बार बार देखेंगे। अब मीडिया के अंदर सोशल मीडिया में को बोलेंगे को कोई नहीं देखेगा, इसलिए नहीं देखेगा गरीब है, इसलिए नहीं देखेगा जब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इनको पता नहीं। नहीं, जिस दिन ये मेरी मां बोले कि दिल से मैं ये देख रही हूं, मैंने वो देखा था भारत, मैं आज का ये भारत देख रही हूं, करोड़ों लोग दुनिया में सुनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और हिमाचल के लोगों से बड़ा कुछ सीख के जाता हूं। जैसे जैसे हिमाचल का बॉर्डर आता है पठानकोट से, कहता हूं मैं तो देव धरती पे आ गया, मैं तो उन लोगों में चला गया, यहां दिमाग नहीं, यहां लोग हिमाचल के लोग दिल से चलते हैं, बोले हैं, पर आपके बोले का कोई मन का फायदा ना ले जाए ये जरूर ध्यान रखना। वंदे मातरम, जय हिंद।